हेलो उनके फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान और आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि आपके प्रेगनेंसी का कितनावा हफ्ता गुजर चुका है या कितनावा हफ्ता चल रहा है, या आप जानना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को कब जन्म देंगी, किस डेट में देंगी, किस तिथि में देंगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप 2 मिनट में पता लगा पाएंगी कि आपके प्रेगनेंसी का कितनावा हफ्ता चल रहा है और कितनावा हफ्ता बाकी है, और आप अपने बच्चे को किस डेट में, किस महीने में जन्म देने वाली हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर बार की तरह, कि अगर आप मेरे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सिंपली क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए करे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर बने हुए हैं तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी पीरियड्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आप ये सारे वीडियो को मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकतर महिलाएं अपने जन्म देने की तिथि में अपने बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, यानी कि उनकी एग्जैक्ट डिलीवरी डेट भी डिफ़र कर सकती है। आप डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, ये आपके प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, यानी कि 36 हफ्ते की होती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। आपकी प्रेगनेंसी पूरे 38 हफ्ते का होता है, यानी कि 9 महीने 2 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी होती है। फ्रेंड्स, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का हफ्ता निकाल सकते हैं, और आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट कब होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस में चलते हैं कि फ्रेंड्स, 2 ही केस हो सकता है, या तो आपको पता है आपका लास्ट पीरियड डेट, या तो आपको पता है कि आपने कब प्रेग्नेंट आप कब प्रेगनेंसी आपकी हुई है, ठीक है। सपोज़ कि मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता है आप कब गर्भधारण की हैं, कब आप प्रेग्नेंट हुई हैं, ये आपको पता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये तो पता होगा कि आपकी लास्ट पीरियड कब आई थी, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने लास्ट पीरियड्स के पहले दिन को याद करना है, ठीक है, और उस पहले दिन में आपको 40 हफ्ते जोड़ देना है, ठीक है। याद रखना होगा आपको ये 40 हफ्ते आपको तब जोड़ना है जब आपको ये पता नहीं है आपने कब आप कब गर्भधारण की है, ठीक है, ये पता नहीं है, तब आपको 40 हफ्ते जोड़ने हैं। सपोज अब हम मानते हैं कि आपको ये पता है कि आपने कब गर्भधारण किया है, ठीक है, यानी कि कब आप प्रेग्नेंट हुई हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको उस दिन को जिस डेट में आपको लगता है कि आपने इस डेट में प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उस डेट में आपको 38 हफ्ते जोड़ देना है। याद रखना है आपको 38 हफ्ते जोड़ना है, ठीक है। जिस डेट में आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं, आपने रिलेशन बनाया था, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं उस डेट में, तो उस डेट में आपको 38 हफ्ते जोड़ देना है। सिंपली जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी डिलीवरी डेट होगी, वो आपकी वीक्स होगी। फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं कि आपको ये पता भी नहीं है किस डेट में आपने रिलेशन बनाया था, किस डेट में आप प्रेग्नेंट हुई थी, या आपको ये भी नहीं पता है कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। सिर्फ आपको ये याद है कि आपने किस मंथ में आपका लास्ट पीरियड आया था, या आपको सिर्फ ये याद है कि आपने इस मंथ में रिलेशन बनाया था। फ्रेंड्स, उसके हिसाब से भी आप अपनी डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं। सपोज़ कि मान लेते हैं आपकी लास्ट पीरियड जनवरी को आई थी, तो आपका जो डिलीवरी डेट होगा वो होगा अक्टूबर में। इसी तरह से फरवरी है तो नवंबर, मार्च है तो दिसंबर, अप्रैल है जनवरी, मई है तो फरवरी, जून है तो मार्च, जुलाई है तो अप्रैल, अगस्त
है तो मई, सितंबर है तो जून, अक्टूबर है तो जुलाई, नवंबर है तो अगस्त, ठीक है, और दिसंबर है तो सितंबर। तो फ्रेंड्स इसकी मदद से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट कब होगी और कितना वह हफ्ता चल रहा है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली निकालना होगा आप अपने प्रेगनेंसी के हफ्ते का। फ्रेंड्स सपोज कि आपको नहीं पता है कि आपने कब गर्भधारण किया है, कब आप प्रेग्नेंट हुई थी, ये याद नहीं है। फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आपकी लास्ट पीरियड का पहला दिन 1 अगस्त को था, ठीक है, और अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, ठीक है, तो 30 दिन, अगस्त में 30 दिन हुआ, और चूंकि अभी 6 सितंबर चल रहा है तो फ्रेंड्स 30 और 6 हो गई 36, 36 को आपको 7 से डिवाइड दे देना है। उसके बाद जितने बार में कटेगा, मान लेते हैं 5 बार में कटा, 7 × 5 = 35, तो फ्रेंड्स आपकी विक्स हो गई 5 वीक्स 1 डे, यानी कि 5 हफ्ते 1 दिन आपकी प्रेगनेंसी का हो गया है, ठीक है, और 35 हफ्ते बाकी हैं आपके प्रेगनेंसी का, आपके डिलीवरी डेट होने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि आपको ये पता है कि आपने कब गर्भधारण किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो भी डेट याद है कि आपने इस डेट में रिलेशन बनाया था, इस डेट में आप प्रेग्नेंट हो गई थी, गर्भधारण कर ली थी, सपोज़ मान लेते हैं कि आपने 2 अगस्त को गर्भधारण किया था। फ्रेंड्स 2 अगस्त मानने के बाद 29 डेज बचते हैं अगस्त के, और चूंकि अभी 6 तारीख हो रहा है सितंबर का, तो उसे हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो गए 35, 35 को 7 से डिवाइड देना है, उसके बाद जितने बार में कटेगा वो आपकी वीक्स होगी, ठीक है, तो ये 5 बार में कट गया, तो आपकी प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता चल रहा है और 33 हफ्ते बाकी हैं आपके डिलीवरी होने के। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने अपने प्रेगनेंसी के हफ्ते निकाल सकती हैं, और आप अपने डिलीवरी डेट को भी कैलेंडर की मदद से, जब आपको हफ्ते पते हो गए तो आप बहुत ही आसानी से कैलेंडर की मदद से आप अपने डिलीवरी का एग्जैक्ट डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन कुछ है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।